दोस्तों, क्या आपका चैनल YouTube के सर्चिंग में नहीं आता है या आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं? वीडियो को पूरा देखिए, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी आने लगेंगे और आपका चैनल सर्चिंग में भी आने लगेगा। जो फंडा बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनाते थे, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले अपने चैनल को आपको खोलना होगा डेस्कटॉप मोड पे, या तो मोबाइल पे खोल लीजिए या फिर पीसी में। उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपको जाना होगा चैनल पे। चैनल का जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको करना होगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन है एडवांस का, इस एडवांस वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस न्यू पेज पर आपको क्या करना है, इस पर आप देख पाएंगे एक ऑप्शन है चैनल कीवर्ड का। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी एक ऑप्शन है, बहुत ही ज़रूरी एक कह सकते हैं सेटिंग है। अगर इसको आप अपडेट कर लेते हैं तो आपका चैनल सर्चिंग में जाने लगेगा। जी हाँ, इसमें आपको क्या अपडेट करना है, इसमें आपको सिंपली अपने चैनल का नाम लिखना होगा। कैसे लिखना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, टैक कुछ जैसे मैंने लिखा इन्वर्टेड कोमास में, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। और जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है उसके कुछ अच्छे कीवर्ड, कुछ अच्छे टैग आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में लिखकर टाइप करने होंगे। तो ऐसे जैसे मैंने किया हुआ ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, इससे आपका चैनल सर्चिंग में जाने लगेगा, क्योंकि ये कीवर्ड आपके चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अगर इसको आप अपडेट रखते हैं तो आपका चैनल सर्चिंग में चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चैनल पर सब्सक्राइबर्स लाने की। तो नीचे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने इसको सेलेक्ट करके रखा है तो आप इसको अनसेलेक्ट करके नीचे वाले को सेलेक्ट कर दीजिए। डोंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ़ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब ऐसा करने से आपके चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स आपके हैं वो हाइड हो जाएंगे। और इसको आप सेव कर लीजिए। हाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी व्यूअर्स आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, तो जब वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके कम सब्सक्राइबर्स को देख कर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली सभी लोग उसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिसके सब्सक्राइबर्स उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर दीजिए, ताकि जब वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करने जाएं तो उनको सब्सक्राइबर्स ना दिखाई दें और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें जनरली क्या होता है कि जिस बड़े चैनल को पहले देखकर आए थे उसके सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर शो होने लगते हैं। उसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड पर। तो ये सेटिंग सेव करने के बाद चलते हैं डैशबोर्ड पर। कुछ और भी सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की। उसके बाद अपने चैनल के नीचे व्यू चैनल का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक और न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो गया है। अगर यहाँ पर कुछ वीडियोज़ जो आपने अपलोड की हुई हैं वो सब यहाँ पर शो हो रही होंगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एक पेंसिल का जो निशान है उस पर क्लिक करना है। इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद एक डिलीट वाला जो ऑप्शन है इसको डिलीट कर दीजिए। ऐसा डिलीट करने से आपकी वीडियोज़ डिलीट नहीं होंगी, सिर्फ वो लिस्ट डिलीट हो जाएगी वहाँ से। उसके बाद ऐड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है पॉपुलर वीडियोज़। पॉपुलर वीडियोज़ को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप इसकी जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जैसे वर्टिकल मैंने करके दिखाया, तो वर्टिकल करते हैं तो कुछ इस तरह से आइए शो होने लगेगी। इसको आप ज़रूर कीजिए, इसका मैं फ़ायदा आपको बताऊंगा। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल कर देता हूं और फाइनली इसको अब हम यहां से सारी जो मेरी पॉपुलर वीडियो हैं जिन पर व्यू सबसे ज़्यादा आए हैं वो यहां पर आ गए हैं, तो ये मेरे चैनल के फर्स्ट पेज पर शो होने लगेंगी सबसे ऊपर। तो जब भी कोई, चलो पहले बाकी चीज़ें सेटिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरा क्लिक कर देते हैं ऐड सेक्शन पे। ऐड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्लेलिस्ट देखें, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट बना के ज़रूर रखिए। तो मैं प्लेलिस्ट पर क्लिक करता हूँ, सिंगल प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो कौन सी प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो सब आ गई हैं। मैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी फाइनली यहाँ से सेव करके डन कर देता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे चैनल का जो होम पेज है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा।
कोई भी न्यू विज़िटर मेरे चैनल पर आएगा तो वो देखेगा वहाँ पर पॉपुलर वीडियो जिन पर काफ़ी 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और कुछ नीचे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मैंने डाली है, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद ऊपर चैनल पर योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो न्यू विज़िटर पर हम क्लिक कर देते हैं। कोई भी न्यू विज़िटर जब आता है तो उसको कैसा मेरा चैनल दिखाई देगा वो यहाँ पर अब शो हो जाएगा। तो उस पर क्लिक कर दिया हमने, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस मेरे दिखाई देने लगेगा, उनको पॉपुलर वीडियो जो जिन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए वो सबसे ऊपर दिखाई देंगे, उसके बाद यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने प्लेलिस्ट सेलेक्ट की है वो दिखाई देने लगी। तो कुछ इस तरह की सेटिंग्स आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो कोई नया विजिटर आपके चैनल पर आता है तो उसको आपका चैनल काफ़ी बड़ा दिखाई देगा और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो ये सारी सेटिंग्स अगर आप अपने चैनल पर करते हैं तो आपके चैनल पर डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, और जो कीवर्ड वाली सेटिंग मैंने बताई थी ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका चैनल सर्चिंग में भी जाने लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचेंगे आपके पास मेरी आने वाली वीडियोज़ के। थैंक यू।